Assalamu alaikum and welcome to PJME's official YouTube channel. Bade investigative searching balki soul searching programs aur aaj bhi ek main program kar raha hu soul searching pe aur mere saath hain Pakistan ke namwar fashion designer Mehmood Bhatti jo ke Paris based hain aur Pakistan mein inhone sirf ek kaam kiya hai के फैशन कॉलेजेस खोल दिए यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं फैशन डिज़ाइन के स्कूल्स कर रहे हैं फिलेंथ्रॉफी कर रहे हैं चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं गरीबों को नौकरियां गरीबों को आप कह लो कि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं सोशल वर्क एंड यू नो चैरिटेबल वर्क आज इनसे बात होगी ये जो मैंने आपसे बातें की हैं ये तो वो कर ही रहे हैं लेकिन आप और मैं इनके साथ हम क्या कर रहे हैं मैं आपको आज बताता हूँ एक छोटी सी कहानी है अपने लफ्ज़ों में ये तो ख़ुद बताएंगे ये अपनी वालदा के घर जाते हैं अपनी वालदा के सकी वालदा के घर जाते हैं और जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जो वहाँ कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है ये को मुनीर है सम लॉयर मुनीर भट्टी आई डोंट नो हु ही इज ये वहाँ बैठा हुआ है किसी ने इसको बैठाया है और वो क्या करते हैं उल्टा इनके खिलाफ एक केस कर देते हैं कि जी ये वो गनमैन लेके आए और ये लेके ओ भाई ये बंदा जहाँ भी जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है खैर अंदर तो नहीं इनकी गाड़ियाँ जाती हैं लेकिन बाहर खड़ी होती हैं कहीं भी जाते हैं इनके साथ एस्कॉर्ट होती है एज़ अ फॉरेन नेशनल तो ये जब गए तो इन पर उन्होंने FIRs काट दी वो केस हो गया वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गए उस आदमी पर जो कि आपको लाखों रुपए महीने की यहाँ फलाह बहबूद का काम कर रहा है तो भट्टी साहब ये जब मुझे पता चला तो ये मुझे बताएं ये क्या है व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बैकग्राउंड ये मैं पाकिस्तान गया था पीजे अभी थोड़े दिन हुए तो मुझे वहाँ पे ना कोविड हो गया मैं घर पे बंद था मुझे दो दिन बाद पता चला जी मेरी मदर की डेथ हो गई ठीक है मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकता था क्योंकि मैं कोविड था डॉक्टर ने मना किया हुआ था घर से बाहर निकलने के लिए जब मैं एक हफ्ते के बाद घर से निकला मैं कब्रिस्तान गया दुआ मांगने के लिए उसके बाद मेरा सिक्योरिटी वाला मेरा लड़के मेरे साथ होते हैं क्योंकि वो डेफिनेट मेरे साथ जाएंगे मैं अपनी मदर के घर गया जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ बस्तामी रोड समझा मदर के घर के वहाँ पे एक लड़की जो मेरी माँ का ध्यान रखती थी वो वहाँ पे घर पे थी अपने दो बच्चे और उसके मियाँ के मैंने उसको कहा मेरी अम्मी का कमरा दिखाओ क्योंकि मेरी तस्वीरें मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी चीजें सब वहाँ पे पड़ी हुई हैं कहती उसको ताला लगा अभी चाबी मेरे पास नहीं है मैंने अपना मोबाइल छोड़ के ना गया मैं तेरी मेहरबानी मुझे ये फोन पे कर देना पाकिस्तानी मोबाइल ये नंबर है और मैं अकेले जाऊंगा उसने फोन नहीं किया मैंने एक हफ्ते के बाद फिर मैं उसके घर गया जो मेरी फ्रेंड वापस की पेरिस के मैं मर गया उन्होंने दरवाजा नहीं खोला मैं बैठा आ रहा हूँ प्लीज आपकी मेहरबानी है मुझे चीजें चाहिए मेरी मेरा घर है ये मेरे डेट ऑफ बर्थ मेरे पेपर मेरी तस्वीरें पड़ी हैं वो मुझे चाहिए कहता सर ठीक है आप छोड़े आप ना मैं घर अभी पहुंचा हूँ तो मुझे SP मुस्लिम टाउन का जो है ना उसका मुझे आया उसके इंस्पेक्टर का जी आप अभी आए हमें बड़ा मनीर का प्रेशर ठीक है मैं कह क्यों आऊं जी वो SP साहब आपको बुला रहे मैं चले क्या वो लड़की जो वहां पे रहती थी वो भी अपने मियाँ के साथ वहां पे थी और SP साहब ने पूछा जी आप वहां पे गए तो मैं कह यार SP साहब आपकी भी मदर है अपनी फैमिली के घर पे आप भी जाते हो तो मैं भी गया हूँ अपनी फैमिली के घर क्यों मैं जाऊँगा अपनी फैमिली के घर ठीक है जी आप अभी नहीं जाना क्योंकि अभी आपने नहीं जाना आप लीगल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए मैं कह लीगल का मीन क्या मतलब क्या है लीगल का मुझे बता दें आप कि आपके वकील कर रहे हैं तो फिर आप जाए मैं कह ठीक है मैं चले जाऊँ हाँ जी आप चले जाए वो क्या बोल के वहां पे बैठे रहे क्योंकि SP साहब उनके साथ मिले हुए थे SP साहब उनके साथ मिले हुए थे और वहां से अपने घर पहुंचा हूँ रात को 9 बजे मेरी फ्लैट थी रात को 9 बजे मुझे SHO का फोन आया उसके इंस्पेक्टर को परीसा देखा जी SHO साहब कह रहे हैं जी कल सुबह आप थाने में पेश हो मैं कह यार मैं अभी तो SP साहब से लिखे आया हूँ तो आप SHO क्यों बुला रहे हैं नहीं जी वो SHO आपको बुला रहा है मैं आपको अदालत में पेश करना मैं कह यार मुझे अदालत क्यों पेश करने की आप आका लाए मैं कह रात को मेरी फ्लैट है 2 बजे मैं कैसे आ सकता हूँ कल
फ्लैट है क्या वापस। अब मुझे मैंने आके SHO को फोन किया, उसे मेरे साथ बात नहीं की। वो उसे मैंने कहा यार मैं वापस आ गया हूँ पेरिस, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे यहाँ पे भी ऑफिस है, मैंने काम करना है, मैं नहीं जा सकता वहां पे। बाद में मुझे पता चला जी इन्होंने परसों मेरे वारंट निकाल दिए, मेरे वारंट निकाले। सुने जरा वारंट, मेरी जिंदगी में मेरे साथ कभी ये हैपन चीजें नहीं हुई अपनी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान तो, आपको अपनी माँ की डेथ हो जाए तो आपको उसके घर पे जाने का लॉ है या नहीं लॉ है, ये पाकिस्तान मैं पूछ रहा हूँ अब फर्स्ट टाइम इमरान खान से। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्या क्या बनेगा, मैं जनरल फैज से अपील कर रहा हूँ क्या बनेगा ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर मेरे साथ ये हुआ है, मेरे फ्रेंड निकालने हैं, वो केस किसी पास और था। ये आप आज सुबह मेरा वकील गया, वो जज कोई नहीं है, उसने कहा जी भट्टी साहब को पेश करें, ये वारंट पुलिस वालों ने बड़े गलत निकाले हैं, पुलिस वालों ने सारी अंदर से हेरा फेरी की है। पाकिस्तान में ये जो है ना मुस्लिम कौम का SP और SHO, ये कब्जा ग्रुप, तो मैं जनरल फैज प्राइम मिनिस्टर तो ओवरसीज पाकिस्तान की मैं अपील करता हूँ, मेरा पाकिस्तान में 15 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। आप आज मैंने फैसला किया है, मैं 2000 बच्चों में स्पॉन्सर हूँ वहाँ पे, एंड दिसंबर का किस तीसरा से स्पॉन्सर कर रहा हूँ उन लोगों को, तो मैं फोन कर रहा हूँ। नहीं नहीं भट्टी साहब ये ना करें, ये भट्टी साहब ये ना करें, आप बहुत बड़े आदमी हैं, ये जिन्होंने ये गलत हरकत की है ये बड़े छोटे किस्म के लोग हैं, आप इनकी बातों में मत आएं। आप बहुत बड़े आदमी हैं लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, लेकिन ये इसके पीछे जो मैंने नाम लिया कोई लॉयर भी है कब्जा ग्रुप वाला, वो कब्जा ग्रुप जो वहाँ पे मिलके करवाते हैं जनाब, एक वकील है उसने वकीलों का नाम खराब किया हुआ है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मैं सारी इंक्वायरी करवा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो ना ये कब्जा ग्रुप पुलिस करवाती है, ये SP जो है ना मुस्लिम टाउन का और SHO जो है ना बस्तामी रोड समनाबाद का, इनको जनरल फैज को और प्राइम मिनिस्टर को मैं अपील करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी बन के इन दोनों लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। जज से पूछे, जज ने आज क्या मेरे वकील को, इन्होंने गलत वारंट निकाले हैं, गलत मेरे वारंट इन्होंने भेजे हैं मेरे हॉस्पिटल पे, ये इसने सारी चीजें गलत की हैं पुलिस वालों ने, पढ़ के वो जज ने आज पुलिस वालों को झटके मारी है वहां पे, आप कैसी हरकत क्यों की है, ये मैं आज अपील कर रहा हूँ। प्लीज आप कह रहे हैं ना पीछे आप बड़े आदमी ये चीजें बंद ना करें, इस चीज का फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मेरे साथ हो रहा है बाकी हजारों ओवर से जिनके से ग्रुप हो रहे हैं, मेरी एक मरबा जमीन आदमी वहां पे खा गया, उसने अपनी बीवी के नाम पे नगमा उर्फ गुड्डो के नाम पे सारी जमीन करके कनाल मेरे नाम पे छोड़ दी, मैंने अदालतों के चक्कर लगा ला के मैं पीछे हो गया, वकीलों के पैसे देके मैं क्या इसका फैसला मेरी जिंदगी में नहीं होना, मेरे बच्चों की जिंदगी में नहीं होना, मेरे बच्चों के बच्चों की जिंदगी में नहीं होना। ये पाकिस्तान में जो चीजें है ना, हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, पूरी दुनिया को पता है मेरी लाइफ स्टोरी, मुल्क का नाम इतना है। मैं पाकिस्तान जाता हूँ लेक्चर करने के लिए, लैंड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, इतने लोगों को मैं स्पॉन्सर करता हूँ, 30 साल से स्पॉन्सर करता हूँ जो मेरी जेब में है, लोगों के इलाज फ्री करवा, चीजें फ्री करवा, अब मैंने मे हॉस्पिटल में एक वार्ड में फ्री करवा रहा था वहां पे। प्लीज प्लीज माफ करें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, हमारे साथ ज्यादतियां ना करें, आप अंदाजा करें मेरे ब्रांड निकले हैं जिस आदमी को 10 सितारे इम्तियाज दुनिया से मिले हैं, 10 सितारे इम्तियाज मिले हैं, इस फ्रॉड लोगों का क्या बनेगा, ये पुलिस वालों की इंक्वायरी, ये SHO और SP जो है ना मुस्लिम टाउन, ये इनके अगर जनरल फैसला आप मेरा ये मैसेज सुने, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मेरा मैसेज सुने, इसका कोई हल होना चाहिए। मैंने क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ टाइम मैगजीन पे मेरा 6 पेज मुझ पे आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, तो प्लीज मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर, हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेरे बच्चे दुनिया के स्टार है, पूरी दुनिया में दो मेरे बच्चे मॉडल है, वो पूरी दुनिया में उनके इंटरव्यू चलते हैं, टीवी चलते हैं, उनका पता है इनका फादर पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, प्लीज हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ये जो फ्रॉड लोग करते हैं इन दोनों को SHO और SP को इनको सजा होनी चाहिए, सरेआम सजा होनी चाहिए, इनको नौकरियां से निकालना चाहिए ये दोनों को, ये मेरा मैसेज ऊपर चाहिए, मेरे साथ ये करेंगे बाकी लोगों का क्या बनेगा।
ये भट्टी साहब फिक्र ना करें, ये मैं DIG ऑपरेशंस को भी ये वीडियो आपकी भेजूंगा और मुतलका जो भी इंचार्ज हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त बहुत अच्छे IG हैं इनाम गनी साहब, उन्होंने कहा है कि किसी ऑफिसर के ऊपर अगर कोई FIR कट गई तो वो उनकी किताब से ही बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। सो अगर आपके साथ यहाँ ज्यादती है जो कि कह रहे हैं आपके साथ हुई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको यहाँ इंसाफ मिलेगा और ये हम लोगों को अपडेट इस पर करते रहेंगे। किसी के ऊपर इस तरह का अननेसेसरी, जो जज, जो सिटिंग जज है जिसने वारंट निकाले, उसने कहा जी कि ये गलत है, तो अब आप मुझे बताएं जो सिटिंग जज कह रहा है जिसने वारंट निकाले हैं और जब उसको सही पिक्चर पता चली है तो फिर आपके सामने दूध और दूध पानी का पानी है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये है वो फुल स्टोरी, ये है वो दर्द की स्टोरी जो कि पाकिस्तान में फिर रही है। तो खुदा के लिए हमें पाकिस्तान में इंसाफ चाहिए लोगों के साथ, और ये नहीं कि उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो। ये मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस स्टोरी पे, आपको बताता रहूँगा कि क्या हुआ, कहाँ तक गए, और फिर इसके जज आप हो गए। खुदा हाफिज़।